तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का मकर संक्रांति का पोस्टर एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस बना रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सलैब है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सलैब ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपको सिंपल से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पीएलपी फाइल, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, ऊपर की तरफ आपको तीन ऑप्शन शो हो गए, तो उसमें से आपको पीएलपी पर क्लिक करना है। पीएलपी पर क्लिक करने के बाद गाइस, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था, उसको डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जहाँ कहीं भी जाता है उसको ढूँढ लेना है। तो मैं पिक्सलैब में बनाया हूँ, तो चलो पिक्सलैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मकर संक्रांति पोस्टर 2 पीएलपी, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, ओपन एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस, देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि ये मेरा फ़ोटो हटाकर अपना फ़ोटो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और ये नाम और नंबर दोनों चेंज करना चाहते हो तो इस पर डबल टाइप करके नाम और नंबर अपना लिख सकते हो। तो आई होप गाइस, आपको वीडियो समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।